दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल बाय BNY। मैं विवेकानंद यादव। चुनाव सर पर है, सारे पार्टियों के नेतागण अपने दल के ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार को जीत दर्ज कराने के लिए एड़ी चोटी किए हुए हैं। जनता जबकि समझ रही है, जनता शांत है, जनता कुछ बोल नहीं रही है, जिसके कारण उम्मीदवारों के पेट में दर्द हो रहा है। तो मैं बताऊं कि फिल्मी दुनिया के कलाकार इस बार के चुनाव में भी अहम भूमिका अदा करने जा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से मैं बताऊं आपको, शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस की टिकट पर पटना साहिब से लड़ रहे हैं, तो राज बब्बर फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश से लड़ रहे हैं, और तीसरा महाराष्ट्र से उर्मिला मातोंडकर, जो चर्चित अभिनेत्री है, चुनाव लड़ रही है। भाजपा में पूर्व में शत्रुघ्न सिन्हा थे, जो भाजपा छोड़ कांग्रेस में आए। राज बब्बर पूर्व में समाजवादी पार्टी के सांसद हुआ करते थे, लेकिन 14 का पहले से कांग्रेस में हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और नए नवेली हीरोइन उर्मिला पहली बार चुनाव लड़ रही है। और उधर अगर भाजपा की बात हम करते हैं, तो भाजपा में आपको मैं बता दूं कि पूर्व में समाजवादी पार्टी की अभिनेत्री जयाप्रदा, जो चुनाव लड़ती थी यूपी में और समाजवादी के टिकट पर दो बार सांसद रह चुकी है रामपुर उत्तर प्रदेश से, अब पाला बदलकर जयाप्रदा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश रामपुर से। वहीं दूसरी ओर रामपुर के आजम खान से उनका टक्कर होना तय है, क्योंकि वो सपा उम्मीदवार हैं और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी और अजीत सिंह के RLD का जबरदस्त हवा चल रहा है। उस हवा के झोंका में क्या जयाप्रदा अपनी सीट निकाल पाती है, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। और दूसरा गोरखपुर सीट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, उस सीट पर भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन को उम्मीदवार भाजपा की ओर से बनाया गया है, और विश्वास जताया गया है कि गोरखपुर सीट रवि किशन जीतेंगे और रवि किशन की ओर जनता का झुकाव होगा। और तीसरे उम्मीदवार हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, उनको भाजपा ने खड़ा किया आजमगढ़ से, जहां से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव के खिलाफ निरहुआ को खड़ा किया गया है, जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं। अब लड़ाई रोचक होती चली जा रही है, निरहुआ को जनता का समर्थन मिलेगा या न मिलेगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन जैसी सूत्रों से जानकारी मिली है कि दिनेश लाल यादव को आम जनता का उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है, विरोध का सामना करना पड़ रहा है, समाजवादी पार्टी के प्रति वहां के लोगों का ज्यादा झुकाव है, अखिलेश यादव के प्रति लोगों का ज्यादा विश्वास और आस्था बना हुआ है, जिसके कारण निरहुआ कहीं न कहीं पिछड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं रवि किशन को उतारा गया है। रवि किशन गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र रहा, पिछले बार उपचुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार निषाद ने उस सीट को जीतने का काम किया और वो इस बार भाजपा में शामिल हो गए, निषाद पार्टी के वो थे। और इधर मैं बताऊं कि जयाप्रदा को भी कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल देखना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने हीरो हीरोइनों को उतार कर अपने उम्मीदवार को मैदान में छोड़ा है, ताकि कुछ भी सीट जीतकर सामने आवे। अब यह परंपरा पूर्व से चली आ रही है, पूर्व में भी फिल्मी दुनिया के चर्चित हीरो हीरोइन चुनाव लड़ा करती थी। 14 में भी अनुपम खेर की पत्नी चुनाव लड़ी
परेश रावल चुनाव लड़े, कई फिल्म दुनिया के हस्ती चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इस बार की लड़ाई रोचक है। अब देखना है इन प्रत्याशियों में किसके सर पर जीत का सेहरा बनता है। दोस्तों, बदलाव अगर आप इस चुनाव में 14 के चुनाव को आपने देखा और 19 का चुनाव आप देख रहे हैं, अगर चुनाव में बदलाव का माहौल देख रहे हैं और बदलाव आप अगर चाहते हैं और देश की स्थिति परिस्थिति और महंगाई बेरोजगारी को समझते हुए आप क्या सोचते हैं, आप अपनी बात कमेंट करके लिखें ताकि मैं भी उसे पढ़कर और भी नए तरीके का वीडियो बनाने का प्रयास करूं। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।